हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोलॉजी प्लस मेरा नाम है योगेश बिश्नोई एंड वी वर डिस्कसिंग एल गी एल के हम जनरल कैरेक्टर्स शुरू कर चुके थे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने उसके कुछ कैरेक्ट्रिस्टिक फीचर्स डिस्कस किए थे और एल का इंट्रोडक्शन हमने किया था इस वीडियो लेक्चर में हम जनरल कैरेक्टर्स को आगे बढ़ाएंगे पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे एल की अक्रेंस वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती है सो so, मेरा नाम है योगेश बिश्नोई दिस इज़ दी इंस्टाग्राम Instagram ID for the channel uh, Biology Plus Official and we will start with the occurrence. So this video को पूरा देखें आप आपको अच्छे से समझ में आएगा. So let's start your topic. So in this video lecture में हम discuss करेंगे occurrence की algae की occurrence which means algae कौन से different habitats में पाई जाती है. वो कहाँ रहती है. वो चीज़ हम discuss करेंगे. सो so, एक चीज़ आप देख लीजिए एलगी यूनिवर्सल अक्रेंस की है ये पूरे वर्ल्ड वाइड पाई जाएगी ओके okay? सो so, ये यूनिवर्सल अक्रेंस है ऐसा फिक्स नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर आपके कंटिनेंट पर्टिकुलर कंट्री इससे ये डिवाइडेड है ना ऐसा नहीं है एलगी यूनिवर्सल अक्रेंस की होती है ये आपके वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाई जाएगी डिफरेंट वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाई जाएगी जैसे कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स ठीक है सी वाटर विच मीन्स एक्वेटिक हो गया एक तो स्नो में पाई जाएगी रॉक्स पे पाई जाएगी ये आपके सैंड पे पाई जाएगी सॉल्ट आपके थर्मल स्प्रिंग्स में पाई जाएगी ये डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी में पाई जाएगी चेक ट्राइस का मतलब है कि बहुत सारे हैबिटेट्स में पाई जाती है अलगी सो so इस वीडियो लेक्चर में हमें यही डिस्कस करना है कि ये कौन कौन से डिफरेंट हैबिटेट्स में पाई जाती है सबसे ज़्यादा कॉमन जो है जो मोस्ट कॉमन है वो है आपका एक्टिक फॉर्म द मोस्ट कॉमन इज़ एक्वेटिक फॉर्म मतलब वाटर से जुड़ी हुई रहेगी एल्गी कैसे भी आप हो अब वो कहीं पर भी पाई जा रही है तो वो वाटर के से कुछ ना कुछ रिलेटेड रहेगी या तो एक्वेटिक होगी पानी के अंदर ही पाई जाएगी और या फिर जहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर हो अगर ये रॉक्स पे भी पाई जा रही है तो वहाँ पर मॉइस्चर होना जरूरी है मॉइस्चर होना वहाँ पर ज़रूरी है सो एल्गी वाटर से काफ़ी जुड़ी हुई रहती है इसके कारण हम आगे समझेंगे हैबिटेट के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं तीन ग्रुप्स में पहला हो गया एक्वेटिक जो जलीय है दूसरा हो गया टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहेगी और तीसरे हो गए कुछ अनयूजुअल हैबिटेट्स कुछ ऐसे हैबिटेट्स जो कि बहुत ही अनयूजुअल हैं ठीक है जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। इन हैबिटेट्स को सबको एक साथ हमने इसको अलग कर दिया है ठीक है जैसे भी अजीब अजीब गरीब जगहें थी उन सबको हमने एक साथ अनयूजुअल में रखिया सबसे पहले हम देखते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स को सो एक्वेटिक हैबिटेट्स में एक हो गया फ्रेश वाटर ये भी हम डिवाइड करेंगे एक्वेटिक फॉर्म को भी डिवाइड करेंगे एक हो गया फ्रेश वाटर और दूसरा हो गया मराइन वाटर फर्स्ट वन इज फ्रेश वाटर एंड द सेकेंड वन इज मराइन वाटर फ्रेश वाटर फॉर्म्स क्या हैं आपके पास में देखिए ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे एल्गी ये बात तो हम जानते हैं फ्रेश इज़ लो सलाइनिटी जिनके अंदर सॉल्ट का कंसनट्रेशन बहुत कम होगा जो पीने योग्य पानी होता है वो होगा फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हो गए लेक्स होगी रिवर्स हो गए झील तालाब नदियाँ इन सब में फ्रेश वाटर होता है जिनके अंदर साल्ट की कंसनट्रेशन बहुत कम होती है सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है ऐसे में जो एल्गी पाई जाएगी वो हम फ्रेश वाटर फॉर्म्स में डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर में भी दो चीजें और डिवाइड हो जाएगी एक हो गया स्लो रनिंग जो धीरे धीरे बह रहा है पानी और एक हो गया स्टेगनेंट, जो पानी रुका हुआ है जो बह रहा है पानी उनके एग्जाम्पल्स आपको देखना है याद रखना है एक है क्लेडोफोरा, कारा इडोगोनियम यूलोथ्रिक्स सो फर्स्ट इज क्लेडोफोरा सेकेंड इज कारा थर्ड इज इडोगोनियम एंड फोर्थ वन इज यूलोथ्रिक्स जो स्टेगनेंट में जो रुके हुए पानी में वो है क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स हाइड्रोडिक्टियन और स्पाइरोरा फर्स्ट वन इज क्लेमाइडोमोनास देन वॉलवॉक्स देन हाइड्रोडिक्टियन एंड देन स्पाइरोरा आपको ये याद रखने हैं यू विल हैव टू मेमोराइज इट इनको याद रखना है आपको ठीक है सो ये दोनों ही फॉर्म्स स्लो रनिंग और स्टेग्नेट दोनों ही फ्रेश वाटर की है दोनों ही फ्रेश के टाइप्स हैं अब आती है मराइन फॉर्म्स ऐसी एल्गी जो कि सलाइन वाटर में रहती है सलाइन विच मीन्स जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जो पीने योग्य पानी ना हो ब्राउन एल्गी जो है वो मेनली एक्सक्लूसिवली मराइन है मतलब वो मराइन ही पाई जाती है फ्रेश वाटर नहीं होती है ब्राउन एलगी के बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स हैं एक्टोकार्पस सार्गेसम फ्यूकस सो द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्राउन एलगी विच लिव इन सलाइन वाटर आर एक्टोकार्पस सारगेसम एंड फ्यूकस फिर आती है रेड एलगी कुछ रेड एलगी के फॉर्म्स मराइन में पाए जाते हैं एग्जाम्पल याद रखेंगे आप पॉलीसाइफोनिया सो यू विल हैव टू मेमोराइज दिस पॉलीसाइफोनिया तो जो एक्वेटिक एल्गीज़ होती है वो या तो आपके क्या होगी फ्रीली फ्लोटिंग होगी मतलब वो किसी चीज़ से जुड़ी भी नहीं होगी वो बस पानी के बहाव के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर तैर रही होगी ठीक है पानी के बहाव के साथ में वो अपने मर्जी से नहीं जाएगी पहली बात तो दूसरा ना ही वो कहीं से जुड़ी हुई है सबसे इंपॉर्टेंट है विच आर नॉट अटैच्ड क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स, पायरोग तीनों एग्जाम्पल्स याद रखना है जो कि कहीं से जुड़ी हुई नहीं है अटैच्ड नहीं है एक तो ये टाइप हो गया और दूसरा टाइप होगा कि या फिर वो अटैच्ड होगी कहीं ना कहीं से किसी से जुड़ी हुई होगी किसी सबस्ट्रेटम से अब देखिए ये सबस्ट्रेटम से कैसे जुड़ी हुई होती है कोई भी सरफेस जिस पे एल्गी जुड़ सकती है उसको हम सबस्ट्रेटम बोलते हैं कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर एलगी या फिर कोई दूसरा भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अटैचमेंट जुड़ सके उसको हम सब कहते हैं और जिस चीज़ से जिस चीज़ से एलगी जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट ठीक है तो ये होल्ड फास्ट है ठीक है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर एलगी शुरू हो जाती है ये एलगी है तो एलगी होल्ड फास्ट से होल्ड फास्ट के हेल्प से सबस्ट्रेटम पे जुड़ा हुआ रहेगा आप इसे बता देता हूं मैं ये जो पार्ट है जिससे एलगी जुड़ी हुई है ये है सबस्ट्रेटम ओके दिस इज योर सबस्ट्रेटम यहां सेल की जुड़ी हुई है जिस पोर्शन से जुड़ती है जिसकी हेल्प से जुड़ती है ये है होल्ड फास्ट और ये एलगी की बॉडी है ओके ये सबस्ट्रेटम इस एलगी का भाग नहीं है ये सबस्ट्रेटम सरफेस का पार्ट है सरफेस के पार्ट जिससे एलगी जुड़ती है उसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम जिसकी हेल्प से जुड़ती है वो होता है होल्ड फास्ट और एलगी बाकी खुद है बाकी पोर्शन एलगी का है ही सो एक्वेटिक एल्गी या तो फ्रीली फ्लोटिंग होगी जैसे कि क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स, पायरोगैरा और या फिर सब्सट्रेटम से जुड़ी हुई होगी किसी अटैचमेंट डिस्क से जिसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट ओके जैसे कि ईडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स ये दोनों होल्ड फास्ट से जुड़ी हुई है तो इसका मतलब इन दोनों के पास में होल्ड फास्ट होगा जो कि इसको होल्ड रख सकेगा होल्ड कर सकेगा उसको हम होल्ड फास्ट बोलते हैं कुछ एल्गी सरफेस पे कॉलोनीज बनाना शुरू कर देती है वाटर सरफेस पे ओके okay? सरफेस के वाटर पे कॉलोनी बनाना शुरू कर देती है उनको हम बोलते हैं वाटर ब्लूम या फिर फाइटो प्लैंकटॉन्स वाटर ब्लूम या फाइटो प्लेंगटॉन्स ये फ़ाइटो प्लैक्टॉन्स दो तरह के होते हैं अब जब हम इसकी बात कर ही रहे हैं तो फाइटो प्लैंकटॉन्स के टाइप की बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीली फ्लोटिंग और अटैचमेंट हम इसी से इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं जो होल्ड फास्ट की बात की हमने तो इसके दो तरह हो गए फाइटो के फाइटो कौन सी है जो एल्गी सरफेस पे कॉलोनीज बना रही है सरफेस पे कॉलोनीज बना रही है उनको हम बोल रहे हैं फाइटो ऐसे ये सरफेस पे कॉलोनीज बना लेगी ऊपर से ये ऑक्सीजन का यूज करेगी रात को ये ऑक्सीजन बनाएगी तो नहीं लेकिन ऑक्सीजन का यूज करेगी उसकी वजह से पौंड लेक जहाँ पर भी ये वाटर ब्लूम्स बन रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और एनिमल्स और प्लांट्स मरने लगेंगे ओके उनके मरने से बी बढ़ेगा तो ये सब चीज़ें होती है जब कभी भी वाटर ब्लूम आता है या फिर फाइटो प्लैक्टॉन्स बनते हैं फाइटो प्लैंक्टॉन्स दो तरह के एक है यू फाइटोप्लैक्टॉन ऐसे फाइटो प्लैंकटॉन जो कभी भी किसी सबस्ट्रेटम से कहीं से भी जुड़े हुए नहीं थे वो शुरू से लेकर आखिर तक फ्रीली फ्लोटिंग थे फ्रीली फ्लोटिंग फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग शुरू से ही वो फ्रीली फ्लोटिंग थे एल्गी मोस्टली फ्रेश वाटर में होते हैं इनके एग्जाम्पल्स है डाइटम कॉस्मेरियम माइक्रोसिस्टिस और सिनेडेसमस इनके एग्जाम्पल्स है डाएटम कॉस्मेरियम माइक्रोसिस्टिस और सिनेडेस्मस कुछ एग्जाम्पल्स और भी देखिए पीडियास्टिडम क्लेमेडोमोनास वॉलवॉक्स ठीक है और कुछ क्रूकोकेल्स के मेंबर्स तो हमारे पास हो गए डायाटम क्रॉसमैरियम माइक्रोसिस्टिस सिनेडेसमस पीडियास्ट्रम क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स और कुछ मेंबर्स क्रूकोकस के ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको याद रखना है आपको दूसरे थे टाइको प्लैंकटॉन्स प्लैंकोफाइट्स ठीक है इनमें ये अटैच्ड होते हैं शुरुआत में इन दिगिनिंग इन दिगेनिंग देर अटैच बट लेटर ऑन जब उनकी लाइफ साइकिल थोड़ी और बढ़ती रहती है उसके बाद में ये डिटैच हो जाते हैं और ये फ्रीली फ्लोटिंग हो जाते हैं एग्जाम्पल्स हैं स्पायरोरा जैग्नीमा क्लेडोफोरा ईडोगियम सो एग्ज़ाम्पल्स हैं स्पायरो जैग्नीमा क्लीडोफोरा क्लैडोफोरा ईडोगोनियम स्पाइरो माइक्रोस्पोरा सिलेंड्रोस्पर्मम टेट्रास्पोरा राइवोलेरिया नॉस्टॉक एंड ग्लोयोट्रिकिया ओके, एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे हैं दस नाम हैं आपको याद रखने ही हैं स्पाइरोगायरा जाइगनीमा, क्लेडोफोरा इडोगोनियम माइक्रोस्पोरा सिलेंड्रोस्पर्मम टेट्रास्पोरा राइवोलेरिया नॉस्टॉक और ग्लोयोट्रिका, कुछ फ्रेश वाटर प्लैंकटॉन्स होते हैं जैसे कि डिक्टोस्फरलम फ्रेजिल कॉस्मेरियम वॉलवॉक्स एस्टेरियोनी और गोलियन ठीक है काफ़ी वियर्ड नाम्स है पर याद रखने आपको ये है फ्रेश वाटर प्लैंक्टॉन ऐसे प्लैंकटॉन जो कि फ्रेश वाटर में पाए जा रहे हैं या फिर रिवर पॉन्ड और लेक्स में पाए जा रहे हैं डिक्टियोस्फीरियम फ्रेजिलेरिया कॉस्मेरियम वॉलवॉक्स एस्ट्रियोनेला और गोलिय गोलियन फिर है हमारे पास में कुछ मराइन प्लैंकटॉन्स जो कि सॉल्ट वाटर के अंदर प्लैंकटॉन्स बना रहे हैं इसमें है एक्टिनोसाइक्लस कीटोसिरोस कोसिनोडिस्कस ओके सो ये तीन नाम भी आपको याद रखना है ये है मराइन फाइंटो प्लैंकटॉन्स मराइन प्लैंकटॉन्स बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं मेनली ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स में होते हैं सो so कुछ एलगी रॉक्स के से अटैच रहती है सम एलगी आर अटैच्ड ऑन दी रॉक्स on the edges of lake लेक में सपोज करो ये लेक है एंड सपोज करो कि इस लेक के पास में कुछ रॉक्स है और इन रॉक्स से अटैच है कुछ एलगी ये एक रॉक से अटैच एलगी है ये एक रॉक से अटैच्ड एलगी है ये एक रॉक से अटैच्ड एलगी है इनको हम बोलते हैं इनको हम बोलते हैं फाइटोबेंथोस इनको हम कहते हैं फाइटोबेंथोस, सो बहुत सारी एलगी है जो कि अटैच्ड रहती है रॉक्स से अलोंग दी एजेस ऑफ लेक्स एंड सी झील और अपने समुद्र के पास में चट्टानों से कुछ एलगी जुड़ी हुई रहती है अटैच रहती है इनको हम बोलते हैं फाइटोबेंथोस। सो आज की वीडियो लेक्चर में हमने मेनली डिस्कस की एलगी जो कि एक्वेटिक फॉर्म में थी और एक्वेटिक में भी स्पेसिफिकली फ्रेश वाटर फॉर्म मराइन वाटर फॉर्म और कुछ फाइटोबैंगथन्स ये डिस्कस किया हमने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अकरेंस ऑफ एल्गी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा थैंक यू स्टूडेंट्स